हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो सातवां है समाकलन, ठीक है, उसकी जो प्रश्नावली 7.5 है ना, उसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। लाइक करने में कंजूसी मत करना। प्रश्नावली 7.5 को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, आंशिक भिन्नों के द्वारा हम समाकलन कैसे करते हैं। देखो, आंशिक भिन्न जो तरीका हो जाना, आंशिक भिन्न करने से ना समाकलन बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बस ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ जो आंशिक भिन्न होता है वो परिमेय फलन का होता है। मतलब परिमेय फलन क्या होता है? जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा होता है, ठीक है। हमें बस हर से मेल लेना देना है, आप अंश को फिलहाल के लिए भूल जाओ। तो अगर हर दो रैखिक समीकरण जैसे x - a x - b का गुणज है, दो रैखिक समीकरण फैक्टर के हैं, ठीक है, तो क्या हो, a के बट्टे में x - a प्लस b के बट्टे में x - b। आप a के बट्टे में x - b भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और ये a और b कांस्टेंट होते हैं जिनको हमें हल करके निकालना होता है। कैसे निकाला जाता है वो अभी हम प्रश्नों के साथ सीखते रहेंगे। अब जैसे एक ही है, x - a की घात 2 है, एक रैखिक समीकरण की घात में 2 आ गया, तो a के बट्टे में एक बार एक घात आएगी, सिंगल घात, ठीक है, और प्लस b के बट्टे में ये जो घात है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ 2 की जगह 3 होता, फिर क्या होता, x - 1 की घात 1, फिर 2, फिर प्लस में c लिख कर x - 1 की घात 3 लिख देता मैं, ठीक है, ऐसे चलती है। अगर 3 अलग अलग हैं, जैसे 3 अलग अलग हैं, तो a के बट्टे में 1, b के बट्टे में 1, c के बट्टे में 1, सीधी सी बात है। अगर देखो एक रैखिक समीकरण है और दूसरे की घात 2 है, तो क्या होगा, a बट्टा x - 1 है, इसकी घात 1, फिर b के बट्टे में x - a की घात में 2, और ये जो अलग है ये c के बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि ये रैखिक है। अब जैसे ये वाला रैखिक है और ये द्विघात समीकरण है जिसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते इस वाले का, तो a के बट्टे में रैखिक आ गया और bx + c, ठीक है, bx + c के बट्टे में पूरा का पूरा द्विघात समीकरण आ जाएगा। देखो, जैसे जैसे हम प्रश्न बनाते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट निखरता जाएगा, कैसे हल किया जाता है, कैसे समाकलन किया जाता है, वो आप समझते जाओगे, ठीक है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। मेन चीज़ है क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे अभी हम, उतना ही हम सीखते जाएंगे। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला हमारा क्या है भाई, अंश, नीचे वाला हमारा क्या है, हर है, ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने ये देख लिया कि आंशिक भिन्न हम कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है जो अभी तक आपने सीखा हो, क्या किसी भी मेथड से ये प्रश्न हो सकता है, या आपको खुद से एक बार सवाल करना है। सोचो जरा, क्या जो भी मेथड अभी तक आपने सीखा है, क्या उनमें से किसी भी मेथड के रूप में इसको हम कर सकते हैं क्या, एक बार सोच के देखो। तो जवाब है नहीं। तो देखो, आई हमेशा इंटीग्रेशन को आई लिखना है। आई हमारा क्या है, एक्स, क्योंकि एक्स में तो dx लिखेंगे, x + 1, दो रैखिक समीकरण है, देखते ही पता लग गया कि भैया दो रैखिक समीकरण के गुणा है बट्टे में। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, इस परिमेय फलन का हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि x के बट्टे में क्या है, x + 1 बट्टे में है x + 2, तो हम यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, a के बट्टे में क्या हो जाएगा, x + 1 प्लस b के बट्टे में हो जाएगा x + 2, रैखिक समीकरण है, a के बट्टे में इतना, b के बट्टे में इतना, और यही a और b हमें ज्ञात करना है। इसको तोड़ के लिखा है हमने, इस फंक्शन को हमने तोड़ के ऐसे लिखा है, और ये a और b हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। और देखना, जैसे ये भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो, जब रैखिक समीकरण a और b निकालने के भी कई सारे तरीके हो जाएंगे। अब यहाँ से तो देखो, तो आपको हल करना है, बस कुछ करना ही नहीं है, लॉस ऑफ ले लेंगे, x + 1 x + 2, इसके गुणा इसके साथ x + 2 गुणे में a आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ b x + 1, ठीक है। इधर क्या है भाई साहब, x, नीचे क्या है, x + 1 x + 2, इसके बट्टे में x + 1, इसके बट्टे में x + 1, इसके बट्टे में x + 2, इसके बट्टे में x + 2, कटा, यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से बचा x + 2a + b x + 1,
क्या अभी तक हमारा ए और बी निकला है? नहीं निकला है। अब इसको सरल करने के बाद इसको मैं डब्बे में बंद कर दिया और इसको मैं समीकरण नंबर ए मान लेता हूँ। देखो रैखिक समीकरण है, तब क्या किया जाता है, यदि यदि एक बार इसको ज़ीरो मानोगे, यदि x प्लस वन बराबर ज़ीरो, तो प्लस का वन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का वन। तो जहाँ जहाँ x प्लस वन है और जहाँ x है वहाँ पर माइनस के वन रखो। यहाँ पर x के जगह पर माइनस वन आ गया, x के जगह पर माइनस वन प्लस टू बाहर से a, और आपने x प्लस वन की जगह पर ज़ीरो माना था, तो ये माइनस वन दो में से एक घटाएंगे, एक ही बचेगा, वन इंटू ए आ जाएगा और बी गुणा ज़ीरो ज़ीरो, तो ए का मान आ गया माइनस के वन। ठीक, फिर आ जाएंगे पुनः, अब एक्स प्लस वन को ज़ीरो माना था, आप किसको ज़ीरो मानना पड़ेगा, एक्स प्लस टू को। पुनः यदि एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो, तो प्लस का टू इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का टू, फिर से यहाँ रखना है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे माइनस का टू, एक्स प्लस टू की जगह पर ज़ीरो माने तो ज़ीरो गुणा ए, तो टू प्लस एक्स की जगह पर माइनस का टू, ठीक है, माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ माइनस टू, ये तो हो गया ज़ीरो, और दो में से एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के बी, माइनस वन आएगा। ठीक है, तो माइनस बी बराबर माइनस दो, तो बी का मान आ जाएगा प्लस के दो, ए का मान भी निकल गया, बी का मान भी निकल गया। अब आपको क्या करना है भाई, ए और बी का मान रखना है, ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, यही तो हमारा मकसद था कि हमें ए और बी निकालना है, ये ए है ये बी है, यहाँ हमें रखना है, तो रखते हैं, क्योंकि ये वाला जो इंटीग्रेशन, देखो जैसे अब यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, प्रॉपर वे में लिख के दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं किया मैंने, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम सिंपल तरीका, ए का मान कितना है, माइनस के वन डी एक्स, बट्टे में क्या था, एक्स प्लस वन। फिर बी, बी का मान क्या आया था, बी का मान आया दो डी एक्स, बट्टे में एक्स प्लस टू। बताइए कोई डाउट नहीं होगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं, डी एक्स बट्टे में एक्स प्लस वन, दो बाहर आ जाएगा, डी एक्स बट्टे में एक्स प्लस टू। अब आपको पता ही है कि भैया ये रैखिक समीकरण है और ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण क्या होता है, एक्स की तरह व्यवहार करते हैं, किसकी तरह व्यवहार करता है, x की तरह, है कि नहीं, अगर ये x की तरह व्यवहार करता है तो सूत्र क्या बन गया, डी एक्स बट्टे एक्स, जिसका सूत्र होता है समाकलन का मॉडल, लॉग मॉडुलस x। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर हम लगा देंगे, ये यहाँ पर हम रख देंगे, देखो कैसे हो जाएगा, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर है माइनस लॉग x प्लस वन आ जाएगा, टू लॉग एक्स प्लस टू, ये हो गया इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो आंसर। अब यहाँ तक परफेक्ट आंसर है, कई बच्चे अब क्या होते हैं कि सर आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करना, अब एनसीईआरटी से अगर आपको हर आंसर मैच करना है तो फिर रटना पड़ेगा कि भाई इसके बाद ये करना है, और बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी जो आप अपने उत्तर को मिलाओगे, ये पूरा सही है यहाँ तक करोगे नंबर मिलेंगे, अब इसको आगे अगर हल करना है तो फिर और भी हल कर सकते हैं, बट उतना मत करो, ठीक है, उतने करने की ज़रूरत नहीं है, बस सोल्यूशन करने के लिए बोला था, कर दिया, अगर सिद्ध करो कि प्रश्न आता तो बात अलग थी, है ना, तो और हल करते, लॉग एम माइनस एन का सूत्र लगाते फिर और हल करते, तो वो स्टेप्स बढ़ जाते। अगले प्रश्न पे आ जाओ, दूसरा नंबर है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, ठीक है, एंड आपको एक सूत्र पता होगा भाई, क्या पता होगा कि भैया ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, एक के बट्टे में एक्स प्लस तीन एक्स माइनस तीन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, ठीक है,
क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न कर देंगे, ए के बट्टे में ले लिया एक्स माइनस तीन और बी के बट्टे में ले लिया एक्स प्लस तीन। देखो मैंने पहले ही बोला, अब ए के बट्टे में एक्स प्लस तीन भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, वो आपका आपका मन है, जो आपको सही लगे। लॉसअप आ जाएगा एक्स माइनस तीन एक्स प्लस तीन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, और यहाँ जो है वो भी लिख दे दो। अब कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल कट पिट रहा है, एक्स प्लस तीन एक्स माइनस तीन, वन यहाँ है एक्स प्लस तीन ए, ये बी यहाँ है एक्स माइनस तीन। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब इसको एक समीकरण मान लेंगे, क्योंकि रैखिक समीकरण आ रहा है, ये भी रैखिक है और ये भी रैखिक है, तो फिर से वही काम करना मानना है। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। यदि यदि x प्लस तीन बराबर ज़ीरो, तो प्लस का तीन इधर रखेगा हो जाएगा माइनस का तीन, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस तीन रखो। इधर तो वन है, इसकी जगह ज़ीरो माने तो ज़ीरो गुणा ए, और ये माइनस तीन एक्स की जगह पर रखना, तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये हो गया माइनस का छः ए, तो माइनस छः इधर आ जाएगा, गुणे का इधर के बट्टी में आ गया। ए का मान क्या आ गया, माइनस के एक बट्टे छः। फिर से पुनः यदि इसको ज़ीरो मान लिया था, अब इसको ज़ीरो मानना है, एक्स माइनस तीन बराबर ज़ीरो, तो माइनस का तीन इधर के क्या हो जाएगा प्लस का तीन, रखो फिर से क्या होगा, इधर तो वन ही है, एक्स की जगह पे क्या रखना है तीन, और एक्स माइनस तीन को हमने ज़ीरो माना है, तो ये हो गया तीन और तीन छः, इधर आ जाएगा, क्या हो रहा है यार, यहाँ बी आएगा ना, ठीक हो गया। तो हमें एक बी का मान मिल गया, हमें ए का मान भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए और बी के मान को रखना है, ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। समीकरण एक क्या है ये, ठीक है, मान रखेंगे भी और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी कर देंगे। ठीक है, ए का मान क्या है, एक बट्टा छः, बाहर आ जाएगा डी एक्स, और बट्टे में क्या था एक्स माइनस तीन। बी का मान है माइनस के एक बट्टा छः, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और बट्टे में क्या है एक्स प्लस तीन। देखो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा log x माइनस तीन, और ये हो जाएगा log x प्लस तीन। इंटीग्रेशन का तुम c जोड़ दो, टोटल से देखो एक बट्टा छः बाहर है, निकाल लो, अंदर क्या बचा ये चीज, ये चीज। मैं तो यहीं पे छोड़ता था, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा और हल कर दे रहा हूँ इसमें। ये किस रूप में है, log m माइनस log n के रूप में है। log m माइनस log n क्या होता है, log m बट्टा n, ठीक है, तो एक बट्टा छः, ये आ जाएगा log m, ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर, ठीक है, प्लस c, जहाँ c हमारा क्या है भाई साहब, समाकलन नितांक है, ठीक है, सी हमारा क्या है, समाकलन नितांक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे नंबर पे आ जाओ, तीन रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यह हमारा है 3x माइनस वन बट्टे में है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए के बट्टे में आ जाएगा x माइनस वन, बी के बट्टे में आ जाएगा x माइनस टू और सी के बट्टे में आ जाएगा x माइनस थ्री। जब तक रैखिक समीकरण आ रहे हैं ना तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जब द्विघात वाला आ जाएगा ना जिसका द्विघात समीकरण फैक्टर नहीं हो सकता उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। देखो क्या होगा, तीनों का लॉस ऊपर ले लोगे, तीनों के आपस में क्या हो जाएगा गुणा, ये x माइनस तीन है, ठीक है, माइनस का है ये, देखो इससे भाग दोगे ये दो बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टू, x माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ से ए, x माइनस टू से भाग दोगे ये कटन क्या जाएगा x माइनस वन, x माइनस थ्री बी, प्लस इससे भाग दोगे ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस वन, x माइनस टू सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो इसके बट्टे में ये है कटा, इसके बट्टे में ये कटा, इसके बट्टे में ये कटा, यहाँ से क्या है सिर्फ 3x माइनस वन। ठीक है, कोई डाउट तो एक बार दोबारा लिख देते हैं, 3x माइनस वन इधर क्या है x माइनस टू, x माइनस थ्री ए, x माइनस वन, x माइनस थ्री ए बी, x माइनस वन, x माइनस टू सी, ये चीज़ है। ओके, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको जीरो माना, एक बार इसको जीरो माना, एक बार इसको जीरो माना, तीन बार वही काम करना है। यदि x माइनस वन बराबर ज़ीरो, इसको अब समीकरण एक मान लो, तो x माइनस का वन इधर क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो जहाँ जहाँ x माइनस वन है वो ज़ीरो रखो, x की जगह आ जाएगा वन माइनस वन, तो देखो x की जगह रखना है वन माइनस टू, वन माइनस थ्री ए, यहाँ x माइनस वन की जगह ज़ीरो रखो तो ये वाला पद ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला पद भी क्या हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो। तो तीन में से एक घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा दो, यहाँ से माइनस का दो और यहाँ माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा दो, दो से कम दो, तो ए का मान आ गया वन। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, वन आ गया। पुनः यदि अब की बार किसको रखना है ज़ीरो, एक्स माइनस टू को रखा ज़ीरो, तो माइनस का टू इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस का टू, तो अब की बार फिर से यहाँ एक्स की जगह क्या रखना है दो रखना है, देखो x माइनस टू ये जीरो, ये वाला पद हो गया ज़ीरो, x की जगह क्या रखना है दो, दो माइनस एक, दो माइनस तीन, x माइनस टू ये हो गया ज़ीरो। ठीक है, तीन दूनी छः, छः में से एक घटाएंगे क्या आ गया पाँच, और यहाँ से देखिए माइनस का एक यहाँ से और ये एक, तो ये माइनस का b, यानी कि b का मान आ गया माइनस के पाँच। कैलकुलेशन फिर भी आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है, हो सकता है कि मेरे से कभी मिस्टेक हो जाए। कैलकुलेशन में मिस्टेक वो चीज़ तो आप भी सुधार सकते हो, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, ठीक, कॉन्सेप्ट में कभी गलत नहीं बताता हूँ, हो सकता है कि मैं प्लस का माइनस हो जाए, माइनस का प्लस, तो कैलकुलेशन थोड़ा एक आध मिस्टेक हो भी जाए तो उसको आप सुधार सकते हो, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। अब क्या है, यदि तीसरा वाला है एक्स माइनस थ्री को अगर हम ज़ीरो लेंगे तो माइनस का थ्री इधर रखेगा हो जाएगा प्लस का थ्री, ठीक है, तो यहाँ रखना है x की जगह पे रखना है तीन, ठीक है, रखा x माइनस थ्री, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, x माइनस थ्री इसकी जगह ज़ीरो रखोगे तो x की जगह क्या रखना है तीन माइनस एक, तीन माइनस दो, ये सी, तीन तीन नौ में से एक घटाएंगे तो आठ और यहाँ से दो, टू सी, दो चौके, तो C का मान आ गया चार, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A B C का मान समीकरण एक में रख देंगे, A B C का मान समीकरण एक में रखने पर
लिखेंगे यहाँ पर, रख देते हैं। सो ए का मान हमें मिला है 1, उसे 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ ही इंडिकेशन भी कर दे रहा हूँ लगे हाथ इसके, यहाँ 1 था ठीक है, यहाँ पर मान रख रहे हैं। प्लस में बी, बी का मान माइनस आया है 5, बाहर आ जाएगा डी एक्स। देखो जो कैलकुलेशन लंबी होगी ना वो सिर्फ ए बी सी निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन करने में बहुत कम समय लगता है ठीक है। और दूसरा वाला क्या था, x माइनस 2 और c का मान है 4, और यहाँ क्या था x माइनस 3, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 मॉडुलस के अंदर रखते हैं log, ये हो जाएगा x माइनस 2 क्योंकि रैखिक समीकरण है ना तो x की तरफ व्यवहार करेगा 4, और ये हो जाएगा log x माइनस 3। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे जहाँ सी हमारा क्या है भाई साहब, समाकलन नितांक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ, सेम टू सेम क्वेश्चन है चौथा वाला ठीक है, सेम टू सेम, तो डायरेक्ट कर देता हूँ की बार, ये हो जाएगा ए के बट्टे में एक्स माइनस 1 आंशिक भिन्न, बी के बट्टे में एक्स माइनस 2 और सी के बट्टे में आ जाएगा एक्स माइनस 3 ठीक है। अब क्या करना है, लॉशोपा ले लोगे जैसा अभी किया था, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये दो बचेंगे गुणे में आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ए, इससे ये कटा ये दो गुणे में आ जाएंगे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3, सी इससे भाग दोगे ये दो आ जाएंगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ठीक है। अब इससे इसके बट्टे में ये सेम टू सेम कटा, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x बचा ठीक है। क्या करेंगे, यदि इसको एक बार जीरो मानोगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस के वन रखे क्या हो जाएगा प्लस का 1, x की जगह पे रखो 1, x की जगह पे क्या रखना है 1, 1 माइनस 2 1 माइनस 3, बाकी x माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, 0 गुना कुछ भी हो 0 0 ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस का 1, यहाँ से आएगा माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2a, गुणा करेंगे तो ये दो गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, तो a का मान आ गया 1 बट्टे 2 ठीक। पुनः यदि अब की बार इसको 0 मानेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 ठीक है, 0 मानेंगे तो माइनस का 2 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, रखो यहाँ पर फिर से x की जगह पे 2, x माइनस 2 की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस ये b x की जगह पे 2 2 माइनस 3, और फिर x माइनस 2 यहाँ है ये 0 हो जाएगा, x माइनस 2 की जगह पे 0 रखना है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होते हैं, तो यहाँ से देखो माइनस का 1 और यहाँ से प्लस का 1, तो माइनस का बी हो जाएगा, तो ये बी यहाँ इधर लें तो माइनस इधर शिफ्ट कर दिया तो बी का मान आ गया माइनस के 2 ठीक है। ये चीज हो गई। अब तीसरा वाला, यदि एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3, अब ये मान रखेंगे यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है 3, तो x माइनस 3 ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, c x की जगह पे रखना है 3 माइनस 1 फिर 3 माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से 1 2c, ये गुणे में आके इधर बट्टे में आ जाएगा, ए बी सी के मान आ गए। अब हमें ए बी सी के मान समीकरण एक में रख देना है ठीक है, ए कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, रख देंगे तो ए का मान कितना है 1 बट्टे 2, डायरेक्ट समाकलन भी कर दे रहे हैं, और यह है एक के बट्टे में
एक्स माइनस वन, बी का मान माइनस का दो है, प्लस माइनस माइनस ये आ गया, और बट्टे में क्या था एक्स माइनस टू, सी का मान है तीन बट्टे दो बाहर आ जाएगा, और डी एक्स इसके बट्टे में क्या था एक्स माइनस थ्री। ठीक है, एक बट्टे दो ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, एक समीकरण है सूत्र लॉग में ही बनेगा, लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स माइनस थ्री। ठीक है, समाकलन देखो कितना आसान है, सारा जो काम मेहनत लगता है ना हमें वो ए बी सी निकालने में लगता है, प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या भाई साहब समाकलन नेतांक है। रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है, दोबारा कहीं पे भी डाउट दिक्कत हो दोबारा ज़रूर देखें। अगला प्रश्न आ गया है पांचवा, ठीक है, इस प्रश्न में क्या है देखो भाई, इसमें कोई रैखिक गुणनखंड नहीं है, तो पहले सोचना है क्या हम, क्योंकि अंश बट्टे आ रहे हैं तो क्या मैं इसका गुणनखंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो इसी वजह से क्योंकि गुणनखंड नहीं दिया हुआ है तो गुणनखंड पहले करना पड़ेगा, तो इसका गुणनखंड कुछ नहीं तो वन है, ठीक है, तो इस वन गुणा दो, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे दो है और जोड़ने पे तीन है, एक दूनी दो, दो और एक को जोड़ोगे तो तीन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है, दो और एक, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से एक्स वनिष्ठ, इस जोड़े से कुछ भी वनिष्ठ नहीं तो वन। ठीक है, जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उपनिष्ठ है तो उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में, तो बन गया गुणनखंड, तो ये यहाँ लग देंगे, क्या है ये टू एक्स के बट्टे में है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर क्या हो जाएगा, आंशिक भिन्न करने पर यहाँ पर हमारा है टू एक्स बट्टे में है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो ए के बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, और बी के बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, ये चीज़ आप छुपा के नहीं करोगे, ये भी सामने ही दिखाना है उनको। ठीक है, और इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लॉ ऑफ लेंगे, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, देखो इसके बट्टे में यह है सेम टू सेम कटा और यहाँ से क्या बचा सिर्फ टू एक्स, तो ऊपर ऊपर वाला ही बचा है सिर्फ। अब क्या करते हैं, एक बार इसको ज़ीरो मानेंगे एक बार इसको ज़ीरो मानेंगे, यदि एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो तो प्लस के वन इधर के क्या हो जाएगा माइनस के वन, यहाँ रखना है हमें तो रखो एक्स की जगह पे क्या रखना है माइनस के वन, तो एक्स की जगह पे रखा है माइनस वन प्लस टू और इसकी जगह पे हमने ज़ीरो माना है, ज़ीरो इंटू बी ज़ीरो, दो में से घटाएंगे एक तो ए का मान आ जाएगा माइनस के टू। ठीक, फिर आ जाओ यदि क्या होगा, एक्स प्लस वन को ज़ीरो मानना था अब एक्स प्लस टू को ज़ीरो मानना है, यदि एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो तो प्लस का टू इधर के क्या हो जाएगा माइनस का टू, यहाँ रखना है यहाँ पे, तो एक्स के जगह पे क्या है माइनस का टू रखा, एक्स प्लस टू को ज़ीरो माना है तो ज़ीरो गुणा ए और एक्स के जगह पे रखना है माइनस के टू, तो ये दो दूनी क्या आ गया माइनस के चार और यहाँ से आ गया माइनस के बी, एक आएगा माइनस वन इंटू बी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल तो बी का मान आ गया चार, दोनों मान मिल गए। अब ए और बी के मान को समीकरण एक में रख देना है, ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर और समाकलन करने पर साथ ही साथ। ठीक है, कर देंगे, ए का मान है माइनस के टू बाहर लिख देंगे, डी एक्स बट्टे में क्या है एक्स प्लस वन, बी का मान आया चार बाहर आ जाएगा
बट्टे में क्या है x प्लस टू, ठीक है। आंशिक भिन्न करने पे मैक्सिमम क्वेश्चन लॉग में ही यहाँ बनते हैं, ठीक है। माइनस टू लॉग x प्लस वन फोर लॉग x प्लस टू, क्योंकि रैखिक समीकरण के रूप में ही बन रहा है हर बार, इंटीग्रेशन का तमसी जोड़ दो, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये छठा नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट भी शानदार जानदार है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आंशिक भिन्न लगाने से पहले आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही आप इस एक्स से अंदर गुणा करोगे तो नीचे एक्स की घात दो हो जाएगी, ऊपर भी एक्स की घात दो है, तो जो अंश की घात है, अंश की घात कितनी है, दो है, और जो हर की घात है वो भी दो है। तो जब भी ऐसा हो अंश और हर की घात बराबर आए, ऊपर नीचे घात बराबर आए ना, तो हमें इस स्थिति में क्या करना होता है, भाग देना होता है, ठीक है। इस स्थिति में क्या करना होता है, भाग देना होता है। और एक स्थिति है जब हमें भाग देना पड़ता है, देखो दो केस हैं, यदि अंश की घात हर की घात के बराबर हो तो भी हमें भाग देना है, और अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी हो तो भी भाग देना होता है। इन दोनों स्थितियों में हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है, तभी प्रश्न आप सरल करके हल करवाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देना है भाग, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के एक्स। भाग देना है हमें माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वन, ढंग से लिख भी लिया व्यवस्थित रूप से, ठीक है। भाग देना आपको आता होगा, इसका प्रथम पद और इसके प्रथम पद से हमें क्या करना होगा, भाग देना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, माइनस माइनस कटा, तो क्या बचा, एक बट्टे दो, तो यहाँ आ जाएगा एक बट्टे दो। एक बट्टे दो से जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, सही कर रहे हैं ना, इसमें जैसे ही गुणांक करेंगे तो दो से दो कटेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स बट्टे दो हो जाएगा। फिर घटाते हैं, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस माइनस कटा। सो देखो यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स बट्टा दो और यहाँ से शेषफल है एक। अब और भाग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसकी घात बड़ी है और इसकी घात छोटी है, जब जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटी घात आ जाती है, फिर हम और भाग नहीं दे सकते। ये आप कक्षा 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। भाग देने का नियम जानते हैं, पहले क्या आता है, पहले आता है भागफल, फिर प्लस में क्या जाता है, भागफल के बाद प्लस में क्या आता है, जो आपका शेषफल है, ठीक है। और जिससे आपने भाग दिया है इसको क्या कहते हैं, आई थिंक हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, भाजक या जो भी कहते हैं, ठीक है, जिससे भाग दिया है, ये लिख देता हूँ हिंदी में, जिससे भाग दिया है वो नीचे आ जाता है। तो अब हम लिखेंगे भागफल मेरा कितना है भाई, एक बट्टे दो है, प्लस शेषफल मेरा क्या है, वन माइनस के एक्स बट्टे दो, और जिससे आपने भाग दिया ये है, ये चीज ही ये है, तो फैक्टर बना के ही रखो इसको, एक्स वन माइनस टू एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि ऊपर से लॉसपल ले लो और हल कर लो, ठीक है। ये प्रश्न इसी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाएगा टू माइनस एक्स, दो एक कम दो बट्टे में वन माइनस टू एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है ना, इसका ही तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा इंटीग्रेशन, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स, सारा खेल अब इसका है। इसको मैं समीकरण नंबर एक मान लेता हूँ और इस वाले पद को मैं आई वन मान लेता हूँ, चूँकि टू माइनस एक्स, ठीक है, टू माइनस एक्स इस बट्टे वाले दो को नहीं लेते, वो दो गुणे में है, और यहाँ से हम ले लिया एक्स वन माइनस टू एक्स, दो को लेने से ना कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और वो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है कांस्टेंट,
तो आंशिक भिन्न बदलेंगे, ए के बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स, और बी के बट्टे में क्या आ जाएगा वन माइनस टू एक्स। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दो बोल देते हैं। लॉ शब्द क्या आ जाएगा, यहाँ लिख भी दो भाई, क्या लिख दो, आंशिक भिन्न में बदलने पर ही लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा x वन माइनस टू, इसकी गुणा इसके साथ, अभी भी रैखिक ही है, जब तक रैखिक आ रहा है ना तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है कैलकुलेशन में। ठीक है, इसके बट्टे में x कटा, इसके बट्टे वन माइनस टू एक्स कटा, यहाँ से क्या बचा टू माइनस एक्स। यदि x को ज़ीरो मानोगे, x बराबर ज़ीरो ही होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ज़ीरो रखोगे, टू x की जगह पर ज़ीरो, a वन दो गुणा ज़ीरो ज़ीरो, और ये b गुणा ज़ीरो, तो यहाँ से आ गया a का मान दो। पुनः अब किसके मान को रखना है ज़ीरो, इस वाले को वन माइनस टू एक्स को ज़ीरो, टू एक्स माइनस का इधर के प्लस का हो गया, ये दो गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, एक्स का मान कितना हो गया वन बाई टू, रखो यहाँ पर टू, एक्स की जगह पर रखा वन बाई टू, देखो हाँ यहाँ रखना है ना ए, एक्स की जगह पर रखना है वन बाई टू, बी अरे यार इसकी जगह पर डायरेक्ट ज़ीरो रखना था ना वन माइनस टू एक्स, एक्स की जगह पर वन बाई टू, चलो कोई नहीं ये तो ज़ीरो हो गया। देखो दो दुनी चार माइनस एक बट्टे में दो, ये वाला पद हो जाएगा ज़ीरो, और ये आ गया बी बट्टे दो, तो ये आ गया तीन बट्टे दो, दो से दो कटा तो बी का मान कितना आ गया तीन, ए और बी का मान मिल गया। सो तुरंत समाकलन ही कर लेते हैं हम, है कि नहीं। सो देखो ए और बी का मान यहाँ रखो, और ये चीज़ ये है, इस चीज़ को कंबाइन करके लिख देते हैं, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं इसके नीचे ए व बी का मान रखने पर, ठीक है ये मैं लिख देता हूँ। तो देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, वन बाई टू बाहर आ जाएगा इधर के यहाँ dx, और यहाँ एक बट्टे दो था, इसकी जगह पर है ना, इसकी जगह पर ये आया है वन बाई टू, टोटल के बाहर देखो वन बाई टू, इधर देखो एक बट्टे दो है ना, ये एक बट्टे दो, एक बट्टे दो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो ए का मान कितना आया दो, तो इस दो को यहाँ रखा डी एक्स, बट्टे में क्या है एक्स ओनली, फिर बी का मान है तीन, एक बट्टे दो तो है ही है तीन, डी एक बट्टे में क्या है वन माइनस टू एक्स, तो इस टू से ये टू कटा, सो वन बाई टू बाहर, डी एक्स कंडीशन क्या होता है भाई एक्स, तो यहाँ डी एक्स बट्टे है एक्स बचा, जिसका होता है समाकलन लॉग एक्स, तीन बट्टे दो, तो ये हो जाएगा लॉग वन माइनस टू एक्स। लेकिन रुको, एक्स का गुणा जबकि बार क्या है माइनस का टू, वो बट्टे में आ जाएगा प्लस सी। अब ढंग से लिखो, ठीक है ये चीज़ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं, प्लस यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स, प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, तो यह आ जाएगा तीन बट्टे चार लॉग वन माइनस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आराम से मिल गया। अब आ जाइए अगले वाले प्रश्न में, ये प्रश्न शानदार है। ठीक है, अब तक तो हम ए बी सी आराम से निकाल रहे थे, सारे रैखिक समीकरण आ रहे थे, लेकिन अब की बार जो मिला है ये वाला, ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसका गुणनखंड भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हो गुणनखंड, लेकिन आयोटा के फॉर्म में आएगा, लेकिन आपको तो सिंपल वास्तविक लेके चलना है। ठीक है, तो सीधा हम यहाँ लिख ही देते हैं डायरेक्ट, आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा ए के बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन,
ये रैखिक था और ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है भाई, बी एक्स प्लस सी बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। बताइए यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, इसको तो समीकरण फिलहाल एक मान लो क्योंकि अब हमें निकालना है ए बी सी और फिर यहाँ पर मान रखेंगे फिर समीकरण होगा। जो काम अभी तक कर रहे थे वही काम करना है फिर से, x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, x माइनस वन गुणे में बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे ये कटा और इससे ये कटा, यहाँ क्या बचा x। देखो यहाँ से क्या हुआ, अभी ज़रूरत पड़ेगी ठीक है इस वाले को, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और अब देखो क्या करना है, अब गुणा करना पड़ेगा। जब भी एक द्विघात आपको दिख जाए ना तो फिर जो हम मान के हल निकाल रहे थे एकाध का निकल जाएगा लेकिन सारे ए बी सी नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर एक्स से जब अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के सी एक्स, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस के बी एक्स और प्लस माइनस ये हो जाएगा। अब देखो भाई साहब, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर उपनिष्ठ निकालो, अंदर क्या बचा ए प्लस बी। ठीक, फिर एक्स वाला यहाँ से एक्स उपनिष्ठ निकालो तो यहाँ सी माइनस के बी और यहाँ से क्या है ए माइनस के सी। ठीक है जी, यहाँ आ गया x। अच्छा जी, अब क्या करते हैं तुलना करते हैं, इसी वजह से कह रहा था ये इम्पोर्टेंट है तुलना करने पर। तुलना कैसे करेंगे, देखो इधर एक्स स्क्वायर का टर्म इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। ठीक है, इसको मैंने समीकरण a मान लिया, फिर क्या होगा c माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा x, इधर x का पद क्या है वन तो c माइनस बी मेरा वन हो जाएगा। ये तो समीकरण b मान लिया और a माइनस सी इधर अचर पद है, a माइनस सी अचर पद है, इधर अचर पद है नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या है, दो तरीके हैं। देखो एक तो यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा जो रैखिक समीकरण, उसको तो आप ज़ीरो मान ही सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से इसीलिए मैं कह रहा हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि x माइनस वन को आप ज़ीरो मान लो तो माइनस के रख के क्या हो जाएगा प्लस का वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखो, जैसे ये वाला आप रखोगे ना ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या रखना है वन रख दिया, यहाँ पर वन का स्क्वायर करोगे तो वन हो जाएगा वन प्लस वन। और इस पद को आपने ज़ीरो माना तो ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो हो जाता है। सो यहाँ से टू आ गया, टू ए दो गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ए का मान क्या है एक बट्टे दो। ठीक है, ए का मान क्या आ गया एक बट्टे दो। अब क्या है, ए का मान आ गया एक बट्टे दो, चलो ए का मान आ गया तो भाई सी का मान भी आ जाएगा। देखो कैसे, चूँकि ए माइनस सी आपका ज़ीरो है, देखो फट से आसान से फटाफट आ जाएगा, तो माइनस का सी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का सी। तो जो ए का मान होगा वही सी का मान होगा, तो ए का मान एक बट्टे दो है रख दिया तो सी का मान भी एक बट्टे दो है। अब हमें बी का मान चाहिए, चूँकि ए प्लस बी हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का है, ए का मान कितना एक बट्टे दो, तो बी का मान क्या हो गया माइनस के एक बट्टे दो। ठीक, ए बी सी सारे मान निकल गए, आपके लिए कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया। अब क्या करना है, ए बी व सी के मान रखने पर, ठीक है रख देंगे, तो ए के बट्टे में क्या है ए का मान कितना है एक बट्टे दो, यहाँ रखना है ना
एक बट्टे दो बार डी एक्स बट्टे में एक्स माइनस वन, बी का मान माइनस में है ठीक है, और सी का मान प्लस में है। तो देखो मैं यहाँ मान रखता हूँ, बी का मान क्या है, माइनस के एक बट्टे दो, बी के साथ में एक्स है, प्लस सी का मान है एक बट्टे दो, ये रखा, और बट्टे में क्या है, इंटीग्रेशन भी लगेगा, बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ठीक है, ये हो गया। अब हम अलग अलग बट्टे लेंगे इधर से, देखो वन बाई टू इसका तो डी एक्स बट्टे एक्स माइनस वन, यानी कि ये रैखिक समीकरण है, सूत्र बन गया लॉग मॉडुलस के एक्स माइनस वन। यहाँ से क्या करूँगा मैं, माइनस के वन बाई टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स के बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, डी एक्स के बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर अब की बार में दो मानता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको अलग से हल करना पड़ेगा और इसको अलग से हल करना पड़ेगा। मैं इस वाले को आई वन बोल देता हूँ और इस वाले पद को आई टू, और इनको ना अलग हल करके मैं आपको लिख के करके दिखाता हूँ, ठीक है, तभी बात बनेगी। चलिए करते हैं, यहाँ देखो, चूँकि आई वन क्या है मेरे पास, आई वन सिर्फ इस वाले पद को ही हल करना है, एक्स डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप खुद देखो, इसका मानने से इसका अब क्लच ऊपर मौजूद है, माना टी मान लिया मैंने किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तुम अवकलज जब करेंगे x के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है टू एक्स और वन का प्लस जीरो, ये दो गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, और ये एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स की जगह पे मैं रख सकता हूँ डी टी बट्टे दो, ठीक है, डी टी बट्टे का दो बाहर, और इसकी जगह पे मैंने टी माना है, रैखिक समीकरण है बट्टे में, तो लॉग में सूत्र बनेगा लॉग टी, टी का मान रखो, लॉग टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये आई वन निकल गया। अब आपको निकालना है दूसरा वाला आई टू, दूसरे वाले पे आ जाओ, आई टू क्या है हमारे पास भाई, ये है डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, ठीक है। सो देखो आपको एक सूत्र पता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, या फिर इसका डायरेक्ट सूत्र भी होता है वन बाय एक्स स्क्वायर का, क्या टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट सूत्र लगा दो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में है। तो ये तो हो गया, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, इसमें भी रखोगे तो भी यही आना है, एक की जगह पर वन है। अब इन दोनों मानों को क्या लिखेंगे, आई वन तथा आई टू के मान को समीकरण दो में रखने पर, आई वन व आई टू के मान को समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो यहाँ से क्या है, वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन, यहाँ पर मान रख रहे हैं, ठीक है, साइड में मेरा वन बाई टू, आई टू का मान क्या है, वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ है वन बाई टू, इधर यह है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, सी जोड़ दिया, थोड़ा और हल करके लिख लूँ, वन बाई टू दो दुनी चार लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, ठीक, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी आराम से बन गया। सेम टू सेम, सेम टू सेम नहीं, अब देखो मेन क्वेश्चन में, देखो इंटीग्रेशन आपको टफ कभी मिलेगा ही नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन जो टाइम लेगा आपका, ए बी सी जो कांस्टेंट होते हैं वो निकालने के लिए लगेगा। अब इस प्रश्न में आ जाओ, देखो
जो आठवां प्रश्न है आपका, इसमें क्या है? रैखिक समीकरण, लेकिन इसके घात आपकी बार दो आ गई है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? आंशिक भिन्न जब करेंगे, ए के बट्टे में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन रैखिक पावर में टू है ना, फिर क्या आ जाएगा? बी के बट्टे में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर सी के बट्टे में क्या लगेगा? एक्स प्लस टू। अब फिर वही काम है, हेल्प कैलकुलेट करो और ए बी सी के मान निकालो। लो शब्द क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू, इससे भाग दोगे एक पावर हटेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन एक पावर और एक्स प्लस टू। ए इससे भाग दोगे ये पूरा हटा, एक्स प्लस टू बचेगा। बी इससे भाग दोगे ये हटेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सी ये बचेगा। ठीक है जी, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बट्टे में सेम कटा, इसके बट्टे में ये कटा, तो यहाँ से बचा ओनली एक्स। अब हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार एक्स माइनस वन को ज़ीरो मानते हैं और एक बार एक्स प्लस टू को ज़ीरो मान के देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से मान हमें मिल पाते हैं, फिर देखते हैं। तो पहली बार हम क्या करते हैं, यदि जब जब रैखिक समीकरण दिखे ना उसको ज़ीरो मान लो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। और उसके बाद जब नहीं हो पाता फिर तुलना तो करना ही है, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो एक्स माइनस वन को ज़ीरो माना, तो माइनस का वन रखे क्या हो जाएगा? प्लस का वन। तो देखो यहाँ ज़ीरो रखेंगे और यहाँ ज़ीरो रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे? वन। तो ये वाला पद ज़ीरो हो गया, ज़ीरो है। एक्स की जगह क्या रखना है? वन, टू और वन ये हो गया थ्री, और इसकी जगह हमने ज़ीरो रखा तो ये हो गया ज़ीरो। थ्री बी होगा तो बी का मान आ गया एक बट्टे तीन। ठीक है, एक बट्टा तीन हो गया। उसके बाद क्या है, एक्स प्लस टू को ज़ीरो मानो, यदि एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो, तो प्लस का टू इधर आके क्या हो गया? माइनस के टू। ठीक है जी, अब ये मान रखो यहाँ पर। सो जैसे देखो ये वाला पद भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पद भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस टू जहाँ जहाँ है वो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की जगह पर रखना है माइनस के टू। ये वाला पद ज़ीरो, ये वाला पद ज़ीरो, एक्स की जगह क्या रखना है? माइनस टू। तो माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर सी, तो माइनस तीन का वर्ग होता है नौ, सी का मान आ गया माइनस के दो बट्टे नौ। ठीक है, ए और सी के मान तो फट से निकल गए, लेकिन भाई अभी ए का मान नहीं निकला अभी तक, और ऐसे निकलेगा भी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें खोलना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या था, एक्स बराबर था एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस टू बी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सी। अब देखिए इसको बिना खोले हम नहीं निकाल ही सकते, क्या करना पड़ेगा, हल कर गुणा करना पड़ेगा अंदर। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू माइनस का वन, तो यहाँ से सिर्फ एक्स बचेगा, दो एक कम दो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, तो सिंपल ही है, खोल दो इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी। एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से गुणा करोगे अंदर ए आएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, प्लस गुणा करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा तो सी। बस एक्स स्क्वायर का ही ले लो, बात बन जाएगी, बाकी और भी पद आएंगे वो मैं नहीं ले रहा हूँ, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। लिखने लग मत लग जाना, उससे आपका समय बर्बाद है, और बोर्ड एग्जाम एक एक सेकेंड एक एक मिनट कीमती है। अब क्या करोगे, तुलना, तुलना करने पर इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कोई पद है क्या? नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है कि ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर गुणा जिधर है ही नहीं तो ज़ीरो के बराबर है, यानी कि ए का मान प्लस का सीधे रखे क्या हो जाएगा? माइनस का सी, और सी अभी हमने निकाला है माइनस का टू, तो ये हो जाएगा प्लस का दो बट्टे नौ। ए का मान ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए बी सी के मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो वही लिख देंगे यहाँ पर, ए बी सी के मान समीकरण एक में रखने पर।
ठीक है रखते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है बट्टे 2/9, तो डी एक्स बट्टे में है एक्स माइनस वन। फिर बी, बी का मान क्या है 1/3 और बट्टे में क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है, मैंने हमेशा बोला है, और x वाला शुद्ध लग जाएगा x की पावर n वाला इस वाले में। और c का मान क्या है माइनस के 2/9 डी एक्स और ये है x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से 2/9 ये आ जाएगा log x माइनस 1 1/3। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन की पावर माइनस का 2, प्लस का 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये रैखिक समीकरण है तो इसका सूत्र आ जाएगा log x प्लस 2। ठीक है, प्लस सी नहीं लगा सकते क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये x की पावर n वाले सूत्र की तरह व्यवहार करेगा जिसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, है कि नहीं। तो इसको हल करेंगे, यह है 2/9 log x माइनस 1, इसमें हल करूँ x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, हो गया, और यह 2/9 log x प्लस 2 इंटीग्रेशन का। तो अब की बार सी जोड़ लो, जोड़ दिया, अभी थोड़ा सा हल करना बाकी है और थोड़ा हल कर लेते हैं। 2/9 log x माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/3 माइनस के बाद नीचे के क्या हो जाएगा प्लस का पावर में प्लस 1 आ जाएगा। हम चाहते तो कैलकुलेशन और कर सकते थे, इसमें और इसमें 2/9 वनिश ले लो, फिर log m माइनस n लगा दो, ज़रूरत क्या है ये सब करने की, यहीं पे छोड़ दो। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ओके, अगले प्रश्न में आ जाओ, 9th वाला। सो देखो यहाँ पर 4 पद हमें देख रहे हैं, गुणनखंड तो किया हुआ नहीं है, तो पहले हम देखेंगे क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर ज़रूर होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ और इसमें से एक कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक उभयनिष्ठ है, जो दो बार उसे हम एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर ढंग से देखें x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, है ना, कैसे क्या हो गया। अब देखिए इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास है 3x प्लस 5 बट्टे में क्या है x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यही है। अब हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, आंशिक भिन्न कर दें। सो देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, इधर है 3x प्लस 5 बट्टे में है x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a के बट्टे में आ जाएगा, इसको लिखते हैं पहले x माइनस 1, b के बट्टे में आ जाएगा फिर एक पावर या फिर दूसरी पावर आ जाएगी, और c के बट्टे में क्या आ जाएगा x प्लस 1। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। तो जैसे अभी कैलकुलेशन किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ से लॉशोपा क्या ले लेते हैं, डिफरेंट कलर चूज करते हैं, यहाँ से आ जाएगा लॉस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, इससे भाग दोगे एक पावर कम होगा x माइनस 1 x प्लस 1,
इससे भाग देंगे ये हटेगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वन बी, इससे भाग देंगे ये कटेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर c, ठीक है जी, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो यहाँ क्या बचा 3x प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस फाइव, और जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो थोड़ा और हल कर लेते हैं, गुणा करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, x प्लस वन बी, और इसको खोल देते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, दो रैखिक गुणनखंड में देख रहे हैं तो वही काम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यदि एक बार x माइनस वन को मानोगे, यदि x माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो माइनस का वन इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस का वन, वो मान यहाँ रखोगे, यहाँ पर x की जगह पर रखा वन, तीन एक कम तीन प्लस पाँच, देखो x माइनस वन रखेंगे तो ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो, x की जगह रखना है वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू बी और ये ज़ीरो, ये आठ दो चौके, तो b का मान आ गया चार। ठीक है, b का मान आ गया चार, फिर से यदि अब की बार x प्लस वन को ज़ीरो मानना है तो प्लस का वन रखे क्या हो जाएगा माइनस के वन, फिर क्या होगा x की जगह माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस तीन प्लस पाँच, एक्स प्लस वन यहाँ दिखा ये वाला ज़ीरो, x की जगह क्या रखना है माइनस के वन, अच्छा x प्लस वन आपका ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, और x की जगह रखना है माइनस वन, माइनस वन माइनस वन का होल स्क्वायर c, पाँच में तीन कटाएंगे दो, ये माइनस दो का वर्ग कितना होता है चार c, ये चार गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो c का मान आ गया एक बट्टे दो। ठीक है, सी का मान कितना आ गया एक बट्टे दो, बी का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया, ए अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो आप इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर दो बोल दो, तो यहाँ लिखो समीकरण दो से, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको और यहाँ से एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इधर क्या है 3x प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर उपनिष्ठ निकालेंगे, गुणा करेंगे तो इधर से a मिलेगा और इधर से c मिलेगा प्लस का, और भी पद आएंगे लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो डॉट डॉट करके छोड़ दो, फिर क्या करना है हमें तुलना, तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर का पद इधर है क्या, नहीं है, यानी कि a प्लस c इधर है ही नहीं तो ज़ीरो के बराबर होगा, तो हमें a का मान निकालना है, तो प्लस का c इधर के माइनस का c हो गया। ठीक है, और c का मान क्या एक बट्टे दो, तो a का मान हो गया माइनस के एक बट्टे दो, सारे मान मिल गए, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, a b c तीनों मानों को उठाओ और समीकरण नंबर एक में रख दो। ठीक है, a कोमा b कोमा c का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर a का मान कितना आया था भाई, a का मान आया था माइनस के एक बट्टे दो, बट्टे में कितना है x माइनस वन, b का मान आया है चार और x माइनस वन का होल स्क्वायर, और c का मान आया एक बट्टे दो और इधर है x प्लस वन। ठीक, माइनस के एक बट्टे दो एक एक समीकरण है तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस वन, मॉडुलस के अंदर फोर लॉग नहीं आएगा क्योंकि पावर में टू है ना, लॉग लगा रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा x माइनस वन प्लस का टू उधर आगे माइनस का टू, x की पावर n वाला सूत्र बन जाएगा, ये लॉग में आ जाएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, अब प्लस c जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन एक बचा हुआ है,
अब इसमें से एक बटे दो रूबानिश लेके हल कर सकते हैं, बट हम उतना नहीं करना चाहते और आप भी मत करना, फालतू का टाइम बर्बाद होगा उसमें। एक्स की पावर एन, तो सूत्र एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन, एन की जगह पर यहाँ पर माइनस का टू है और यहाँ आ गया वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन। देखो यहाँ माइनस टू प्लस वन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के फोर बट्टे में आ जाएगा, माइनस के पावर वन बचेगा, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का, वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन सी। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। किसी भी प्रोसेस में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। दसवां क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सिंपल है, देखो देखते ही आपको आइडिया लगे हम वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये चीज़ किस तरीके से लिखी जा सकती है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से, और यहाँ पर है टू एक्स प्लस थ्री। तो तीन रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, ये आंशिक भिन्न जिसने भी इन्वेंट किया है ना, बड़ा सॉलिड काम किया है। आंशिक भिन्न करने से ना इंटीग्रेशन बहुत ही आसान और सिंपल हो जाता है। देखो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, टू एक्स माइनस थ्री बट्टे में क्या है एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री। कोई सीरियल नहीं होता कि ए के बट्टे में ये वाला रखना है या बी के बट्टे में, तो आपकी मर्जी है, ए बी सी के बट्टे में कोई सा भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे ये दूसरे नंबर पर ना एक्स माइनस वन मैंने यहाँ रख दिया पहले नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं है, ए के बट्टे में ये रख दिया, फिर बी के बट्टे में दूसरा मैं रख देता हूँ, ठीक है, बी के बट्टे में अब की बार ये वाला रख दिया एक्स प्लस वन और सी के बट्टे में ये वाला रख दिया। आपकी चॉइस है, किसी को भी आगे पीछे करके रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। इसको समीकरण नंबर एक बोल दिया। अब क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ लेंगे, वही काम दोबारा करेंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब की बार आसान हो गया है, क्योंकि क्या है तीनों रैखिक समीकरण अलग अलग हैं, तो ए बी सी निकालना अब की बार आसान हो जाएगा। इसके गुणा इसके साथ ए एक्स प्लस वन, देखो इससे ये कटेगा ये और ये बचेगा ना, गुणे में आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, फिर यहाँ से बी इससे ये कटा ये और ये गुणे में आ जाएगा एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री, इससे ये कटेगा ये और ये गुणे में आ जाएगा सी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक। देखो इसके बट्टे में ये तीनों चीज़ें कटा, तो क्या बचा यहाँ से, टू एक्स माइनस थ्री ए एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री बी एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री सी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कुछ ए मान देते हैं। आपकी बार तीन रैखिक समीकरण आपको देख रहे हैं, एक दो तीन, तो बस सिंपल है आपकी बार। तो यदि एक्स माइनस वन को ज़ीरो मानोगे तो माइनस का बंद रखे क्या हो जाएगा प्लस का वन, एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक। रखो यहाँ देखो एक्स की जगह जैसे एक रखोगे दो में से तीन घटाओगे तो माइनस का एक आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया माइनस वन, एक्स की जगह क्या रखना है एक, तो यहाँ से देखो एक और एक दो, दो और ये तीन कितना हो गया पाँच, और ये ज़ीरो ये ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो गुणा कुछ भी हो ज़ीरो हो जाता है, पाँच दुनी दस, तो दस गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा एक का मान माइनस के एक बट्टे दस, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी, बेसिक चीज़ें हैं ये। अब की बार दूसरा मान लेते हैं, यदि एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो तो प्लस का वन इधर के क्या हो जाएगा माइनस का वन। अब की बार क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ माइनस वन रखना है, माइनस का दो माइनस का तीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के पाँच, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो एक्स एक्स के जगह क्या रखना है, माइनस वन माइनस वन माइनस के टू,
और यहाँ से माइनस टू प्लस थ्री, तीन में से दो घटाएंगे एक आ जाएगा, और ये वाला पद हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि x प्लस वन को ज़ीरो माना, ज़ीरो गुना कुछ भी ज़ीरो होता है। तो यहाँ से माइनस, इधर भी माइनस कट, तो b का मान आ जाएगा दो, गुणे में था इधर बट्टे में आ जाएगा, b का मान आ जाएगा पाँच बट्टे दो। ठीक है, अब पुनः यदि आपकी बात 2x प्लस थ्री को ज़ीरो मानना है, 2x प्लस थ्री बराबर ज़ीरो, प्लस का थ्री इधर आके माइनस का, और ये जो दो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में। अब क्या करना है, फिर से वही काम है, x के जगह पर रखना माइनस के तीन बट्टे दो, रखो टू एक्स प्लस थ्री, ये वाला पद ज़ीरो हो जाएगा, इसको ज़ीरो माना हमने, ये वाला पद भी ज़ीरो हो जाएगा, x के जगह पर रखना है माइनस के तीन बट्टे दो यहाँ पर, और यहाँ पर भी है माइनस के तीन बट्टे दो प्लस के वन, दो से दो कटा माइनस तीन, माइनस तीन माइनस का छः, तो ये क्या है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये था तीन का वर्ग हो जाएगा नौ, दो का वर्ग चार, और ये वन, तो लॉस ऑफ पावर निकालो, चार नौ में से चार कटाएंगे पाँच। ठीक है, तो देखो सी का मान क्या हो जाएगा, छः चौके चौबीस। ठीक है, तो सी का मान हो जाएगा छः चौके चौबीस, और ये बट्टे में आ जाएगा पाँच, सी का मान आ जाएगा माइनस के चौबीस बट्टे पाँच। ए निकल गया, ठीक है, बी निकल गया, सी निकल, तीनों निकल गए, तीनों मान यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए बी व सी का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है रख देंगे, साथ ही साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ए का मान कितना है एक बट्टे दस माइनस का, और बट्टे में क्या था एक्स माइनस वन, सारे रैखिक हैं। बी, बी का मान क्या है पाँच बट्टे दो, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या है यहाँ पर एक्स प्लस वन, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन, और सी क्या माइनस के चौबीस बट्टे पाँच, बट्टे में क्या है टू एक्स प्लस थ्री, ये भी रैखिक है। इंडिक्शन करेंगे, माइनस के एक बट्टे दस लॉग एक्स माइनस वन, क्योंकि रैखिक समीकरण है, लॉग एक्स प्लस वन, चौबीस बट्टे पाँच लॉग टू एक्स प्लस थ्री, इंटीग्रेशन में हम सी जोड़ देंगे। एक चीज़ मिस्टेक किया अभी हमने, अभी तक नहीं किया, बता सकते हो वो क्या मिस्टेक है, एक्स का गुणज यहाँ कितना है दो है, तो जो गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। ठीक है, तो दो से काट दोगे तो दो कम दो, दो नहीं चार यहाँ हो जाएगा, ये हमारे हमको आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखो, अप्पा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क भी छोड़ूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क छोड़ूंगा, जैसे ये वाला छोड़ूंगा होमवर्क आपके लिए, क्योंकि बहुत आसान है ये वाला। मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पहले मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है, कुछ सीखा है, समझा है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, तभी होमवर्क दे रहा हूँ, कठिन तो मैं देता ही नहीं हूँ, जैसा क्वेश्चन किया हुआ है आसान है वही मैं होमवर्क देता हूँ, वरना देता नहीं। जैसे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो भैया एक्स प्लस वन है, ये क्या है चार को लिख सकता हूँ ये, और आप जानते ही हैं ये किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये तीन रैखिक समीकरण आ गई, जो कि होगा ए के बट्टे में एक्स प्लस वन, बी के बट्टे में एक्स प्लस टू, और सी के बट्टे में एक्स माइनस टू। अब कर लोगे बताओ, ऐसा अभी तक किया है कि नहीं किया है, रैखिक है तीनों, आसान है,
इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, ठीक है? कर लेंगे इसको, ज़रूर करना। इसका आंसर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, अंश पट्टे हर को देखो जरा, अंश की घात 3 है, हर की घात कितनी है? 2 है। चूंकि अंश की जो घात है वो हर की घात से बड़ी है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 2 केस बताए थे ना उन्होंने आपको, कब कब क्या करना है। देखो अंश की घात बड़ी है हर से, तो हमें क्या करना है, भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से। तो एक्स से गुणा करना पड़ेगा, एक्स की घात 3, एक्स एकम एक्स, कटाना ऊपर बच्चे ने बदलता है, प्लस माइनस कटा ना, ये तो प्लस का है ये प्लस का है, तो 2x हो जाएगा और ये नीचे 1। तो क्या होता है, पहले भागफल आता है, भागफल क्या है मेरा x, फिर शेषफल आता है 2x प्लस 1, और फिर आप फिर जिससे आपने भाग दिया था। अब देखो कितना आसान बन गया है कि नहीं, आसान बन गया है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये x है, ये 2x प्लस 1 है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर लोगे आप, ठीक है ना? इसको मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूँ। अब देखो भाई, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। चूंकि 2x प्लस 1, ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर a के बट्टे में आ जाएगा x प्लस 1, b के बट्टे में आ जाएगा x माइनस 1, ठीक। लॉसअप आ जाएगी x प्लस 1 गुणा x माइनस 1, नीचे दोनों की गुणा कर देंगे, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ये कटा ये कटा, ठीक, ये चीज है। अब हमारे पास क्या बचा, ये चीज बची है कि नहीं? अब 2 आपके पास रैखिक समीकरण है, उसको अब 0 मानिए, जैसे अभी तक हम कर रहे थे। यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 1। तो यहाँ रखो x की जगह पर, जैसे ही माइनस के 1 रखेंगे, माइनस का 2 प्लस 1, इसकी जगह 0 हो जाएगा, x की जगह पर रख रहे हैं माइनस 1, ना 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 ना, एक्स प्लस 1 0 माना, तो ये 0 होगा, सॉरी, यहाँ पर x की जगह माइनस 1 माइनस 1, ये ए नहीं, ये बी नहीं, ये ए है, ठीक है? तो यहाँ से बचा माइनस 1 और यहाँ से बचा माइनस के 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है? पुनः यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फिर से क्या होगा, यहाँ रखोगे 2 एक कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। x माइनस 1 को 0 माना, ये 0, x की जगह पर रखा है 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2b, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, a और b के मान निकल गए, ठीक है? इसी को तोड़ के आपने ये लिखा था, तो हम मान रख देंगे, ठीक है? अतः समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, देखो भाई ये तो है ही x dx, ठीक है? इस वाले को हमने ये तोड़ा था आंशिक भिन्न में, और a हमें कितना मिला है, a मिला है हमें 1/2, बट्टे में क्या था, x प्लस 1, b मिला है 3/2, और बट्टे में क्या है, x माइनस 1, ठीक। अब देखिए x की पावर 1 है, तो एक पावर जुड़ जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगी, 1/2, ये हो जाएगा log
एक्स प्लस वन, ठीक है, और ये 3/2 लॉग एक्स माइनस वन मॉडुलस में, इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ देंगे, जहाँ सी हमारा क्या है भाई, समाकलन नितांक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ये भी इम्पोर्टेंट था और आसान था, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, आंशिक भिन्न अगर हम करते हैं तो एक के बट्टे में आ जाएगा 1 - x, और ये द्विघात समीकरण है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, ये आ जाएगा bx + c / x² + 1, ठीक है, इसको अब समीकरण नंबर एक मान लो, लॉशपा ले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या मिल गया हमारे पास, इधर बचा सिर्फ 2 और यह है ax² + 1, और गुणा करोगे तो ये हो जाएगा bx², अच्छा ये माइनस भी तो है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस है एक्स से जब गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा -kcx, फिर 1 से गुणा करेंगे, प्लस का bx, माइनस का प्लस माइन 1 प्लस है ना c आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, x² / 1 निकालो, तो यहाँ से a और यहाँ से b, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर x² / 1 निकालेंगे तो यहाँ से माइनस का c और यहाँ से प्लस का b, और अचर पद क्या बच रहे हैं, a से जब गुणा करोगे a एक कम a और यहाँ से c, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, एक रैखिक गुणनखंड आपको यहाँ दिख रहा था, उसको 0 मान लो, यदि 1 - x = 0, तो माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x, रखो यहाँ पर, इधर तो 2 है, रखने की जगह ही नहीं है, और x की जगह यहाँ 1 रखना है, यहाँ पर रखना है ना, गुणनखंड के रूप में यहाँ रख के देखना, a x की जगह आपने रखना है 1 - 1 + 1, और 1 - x को 0 माना है, तो 0 गुना कुछ भी हो 0 होता है, तो ऐसा हमने क्यों किया, फट से ये मिल गया ना मुझे, 2 + 1 = 2, a का मान मुझे 1 मिल गया। अब देखो, चूंकि a माइनस b, इधर x² का पद है, इधर x² पद है नहीं है, तो a माइनस b 0 है, यानी कि a माइनस का भी इधर के प्लस का होगा, जो a का मान होगा वही b का मान हो गया, तो b का मान भी आ गया 1। अब यहाँ देखो, x का पद इधर है नहीं है, यानी कि b माइनस c भी 0 के बराबर होगा, तो c का मान क्या होगा, b के बराबर होगा, तो b का मान भी 1 है, तो c का मान भी क्या हो जाएगा, 1। a b c तीनों का मान क्या आ गया, 1 1, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रखते हैं, इंटीग्रेशन में करते हैं, a का मान 1 है, dx बट्टे में है 1 - x, b का मान 1 है, और अलग अलग ले लेते हैं यहाँ से, तो x बट्टे में है x² + 1, c का मान भी 1 है, तो यहाँ आ गया x² + 1, थोड़ी देर पहले इसको हमने हल किया था, इसको भी हल किया था, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो, रैखिक समीकरण है, log भी लग जाएगा, log 1 - x, और देखो इसका आप क्लज मानने पे ये ऊपर मिल रहा है, ठीक है ना,
तो इसका इंडिकेशन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, मान के दिखाता हूँ, माना पूरा करके दिखाता हूँ। ठीक, आपने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आ जाएगा टू एक्स, तो डी टी बट्टे दो एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा। और ये किसका शूट होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो यहीं से लिखते हैं लॉग वन माइनस एक्स, एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे दो, और इसको आपने माना है टी, और इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो लॉग वन माइनस एक्स, एक चीज़ मिस्टेक की हमने, क्या एक्स का गुणज क्या है माइनस, वो आपने लगाया नहीं, यहाँ लगा देना है सामने। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो जाए, सिली मिस्टेक्स कहते हैं इनको, इन पर ध्यान बना के रखना है। लॉग टी आएगा, और टी का मान भी रख देते हैं साथ ही साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या है टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन का, तुम सी जोड़ दो आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो गाइस, अब की बार रैखिक समीकरण की पावर टू है, तो डायरेक्ट आंशिक आंशिक भिन्न करते हैं, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ए के बट्टे में क्या आ जाए, रैखिक समीकरण है, पहला सिंगल पावर आएगा, फिर बी के बट्टे में क्या आ जाए, पूरी पावर आ जाएगी, एक्स प्लस टू की पावर टू। ठीक है, समीकरण एक मान लेंगे, लॉ सुपर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस टू की पावर टू, एक बार भाग देंगे एक पावर बचेगा, गुणा हो जाएगी, और एक्स प्लस टू से भाग देंगे पूरा का पूरा चला जाएगा। तो अब की बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जैसे ही भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया बी, देखो इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में जो है वो कटा, गुणा कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी, एक्स ये है और ये कांस्टेंट वाला पद है। ठीक है, क्या कर देंगे गाइस, तुलना कर देंगे, इधर क्या है थ्री एक्स माइनस क्यू वन है, तो हम क्या कर देंगे तुलना करने पर, तो जैसे ही हम तुलना करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान तो फट से तीन मिल गया, और यहाँ से क्या है भाई टू ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट किसके बराबर, माइनस वन के बराबर है, बी का मान चाहिए, प्लस का टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का टू, ए का मान कितना है तीन, तीन दुनी छः और माइनस एक, माइनस के साथ, तो बी का मान क्या आ गया माइनस के साथ आ गया, ए का मान बी का मान मिल गया, यहाँ रख दो और समाकलन कर लो, क्या लिखेंगे ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण किस में रख देंगे, एक में रख देंगे, तो देखो ये एक समीकरण है, यहाँ में रखना है, तो ए का मान कितना है तीन, कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पर डी एक्स बट्टे में है एक्स प्लस टू, एकदम आराम से हो गया। बी का मान कितना है माइनस के साथ, डी एक्स बट्टे में है एक्स प्लस टू, रैखिक समीकरण की घात में दो है, एक्स की तरह व्यवहार करता है, तो ये तो क्या गया है रैखिक समीकरण, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस टू और माइनस सात, ये चीज़ क्या हो जाएगी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर प्लस का दो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का दो, एक्स की तरह एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, थ्री लॉग एक्स प्लस टू है और ये लग जाएगा एक्स प्लस टू एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया। देखिए थ्री लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है, और ये माइनस का वन प्लस बना देगा इसको, और ये माइनस वन पावर नीचे आके प्लस का हो जाएगा प्लस सी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न में आ जाओ। सो ध्यान से देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है,
इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये ऐसा। सूत्र कौन सा बना? सूत्र ये वाला बना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक, लगा देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, फिर से इसमें यहाँ पे वही सूत्र लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ गए एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको तोड़ के हमने ये लिख दिया। अब देखो भाई, यहाँ पर रैखिक, ये रैखिक और ये द्विघात, तो इसको जब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में बदलने पर क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पर क्या है, x प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही है। इसको लिखा जाएगा, देखो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, एक के बट्टे में, एक के बट्टे में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस बी के बट्टे में आ जाएगा एक्स माइनस वन, द्विघात है तो ए बी, अब यहाँ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, क्योंकि द्विघात इसका गुणनखंड नहीं हो सकता ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या करेंगे, लॉशोपा ले लेंगे, इसके इसके गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे भाग देंगे ये कटेगा, इन दोनों के गुणा हो जाएगी एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे भाग देंगे ये कटेगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी एक्स प्लस वन और इसकी, इससे भाग देंगे ये कटेगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ये क्या है एक्स डी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर गुड़े में क्या है सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो इसके बट्टे में, इसके बट्टे में तीनों सेम टू सेम है कटा, इधर क्या बचा एक। अब जो दो रैखिक दिख रहे हैं उनका हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे एक रैखिक यहाँ दिख रहा है एक रैखिक यहाँ दिख रहा है, तो दो मान मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, यदि x प्लस वन को जीरो मानोगे तो प्लस का वन इधर क्या हो जाएगा माइनस के वन, यहाँ रखो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस के वन रखो, इधर वन है। देखो x प्लस वन को जीरो माना है तो x के जगह पर क्या रखना, माइनस के वन या माइनस वन माइनस वन माइनस के टू, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन, ये हो जाएगा टू, ज़ीरो हो जाएगा। और ये देखो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक फैक्टर आ जाएगा ना एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, दो दूनी चार, तो ए का मान हो जाएगा माइनस के एक बट्टे चार, ए का मान मिल गया फट से। दोबारा आ जाओ, यदि एक्स माइनस वन को ज़ीरो मानो तो माइनस के वन इधर के क्या हो गया प्लस के वन, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है एक्स वहाँ वहाँ वन रखो, ये तो वन ही है, एक्स माइनस वन को आपने ज़ीरो माना है तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये वाला पद भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो एक्स के जगह पे वन रखना है, वन प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, और ये वन प्लस वन टू। ठीक है ओके, और ये ज़ीरो हो गया, तो दो दूनी चार, तो बी का मान भी आ गया एक बट्टे चार प्लस का। अब सी का मान नहीं मिलेगा, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो गुणा करना ही पड़ेगा। अब इधर वन है, देखो यहाँ से जब गुणा करोगे सी किसी तरीके से मिल जाए, गुणा करो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स एक्स की घात तीन। ठीक है, एक्स की घात तीन आ जाएगा, और एक्स की घात तीन कहाँ आएगा, देखो ए एक्स की पावर थ्री, बाकी टर्म को मैं डाइजेस्ट करके छोड़ दूंगा, और कहाँ आएगा यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स बी एक्स की घात तीन, और सी एक्स स्क्वायर गुणा एक्स प्लस सी एक्स की घात तीन, ये तो आएंगे ही आएंगे, बाकी जो पद है उनको डाइजेस्ट करके छोड़ दिया। कुल मिला के बात है एक्स की घात तीन उभयनिष्ठ है, ए प्लस बी प्लस सी, और भी पद आएंगे लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुलना कर दूंगा।
तुलना करूंगा, इधर x की घात 3 वाला है, इधर है ही नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि इधर है ही नहीं, तो 0। अब हमें c का मान निकालना है, तो ये माइनस का है, ये माइनस का भी इधर आ जाएगा। a का मान है माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4। b का मान है 1/4, 1/4 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो c की वैल्यू हमें मिल गई 0, ठीक है, c की वैल्यू मिल गई। अरे भाई साहब, इसमें d भी तो निकालना है, क्यों d भी निकालना है, a भी निकल गया, c निकल गया, अब d भी तो निकालो, उसके लिए तो खोलना ही पड़ेगा। अब d कहाँ से आ रहा है, d आपका भाई यहीं बैठा है, ठीक है। सो देखो थोड़ा सा यहाँ करके करते हैं, जैसे d सिर्फ क्या है, कांस्टेंट में ही आएगा, तो जैसे यहाँ से देखो भाई सब खोलना ही पड़ेगा, मैंने सोचा खोल बिना खोले बात बन जाएगी, तो पूरा ही करना पड़ रहा है। यहाँ से पहले देखो हल कर दें, x से गुणा करेंगे, x की घात 3, और ये आ जाएगा प्लस की x, फिर माइनस की x स्क्वायर प्लस माइनस 1, ठीक है। ये b है, x से गुणा करोगे x की घात 3, x एक कम x, फिर 1 से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, गुणा करेंगे फिर ये सी एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर है, सी एक्स से गुणा करोगे तो सी एक्स की घात 3 और सी एक्स, ठीक है, सी एक्स से अगर डी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर और माइनस के डी। सो देखो कांस्टेंट वाला पद लेते हैं, ए से गुणा करोगे यहाँ से माइनस का ए होगा, बी से गुणा करोगे यहाँ पे प्लस का बी होगा, ठीक है, जैसे गुणा करेंगे, और ये है माइनस का डी, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1। तो यानी कि चूँकि माइनस ए प्लस बी माइनस डी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो डी निकालना है, माइनस ए प्लस बी, ये प्लस का वन इधर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का डी इधर के प्लस का, तो ए का मान कितना आया था, माइनस का 1/4, माइनस माइनस प्लस का 1/4, बी का मान 1/4, 1, तो 1/4, 1/4 कितना होता है, 2/4, 2/4 यानी कि 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 1/2 डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। इसमें ए बी सी निकालना ही सबसे बड़ा टास्क है, ए बी सी डी की वैल्यू निकल गई, अब समीकरण एक में रख दो यहाँ पर, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी और डी का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, अब तो इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा। ए का मान कितना आया है, ए का मान माइनस के 1/4 था, इंटीग्रेशन डी एक्स के 1/2 एक्स प्लस 1। बी का मान कितना है, 1/4 प्लस का 1/4 1/2 एक्स माइनस 1। अब सी एक्स का भी मैं अलग ले लेता हूँ, सी का मान कितना है, 0, 0 बट देखो सी हमारा क्या है, 0 इंटू कुछ भी करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो ये क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। और डी का मान कितना है हमारा, माइनस के 1/2, इसके 1/2 में भी आ जाएगा, इसके 1/2 में भी आ जाएगा, डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला है, इसका इंटीग्रेशन तो ये 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी को गुणा करोगे 0, सी का मान 0 आया था, ये है माइनस के 1/4, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 1/4 लॉग एक्स माइनस 1, ये तो 0 है, और इसका सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो। इंटीग्रेशन एक लाइन का था, और बाकी काम किस में हुआ हमारा, देरी ए बी सी डी निकालने में, ए बी सी डी निकालने में सोचो हल है, बाकी समाकलन पार्शियल फ्रैक्शन जैसे हम करते हैं ना, एकदम हलवा हो जाता है क्वेश्चन, एकदम आसान बन जाता है, ठीक है। तो कोई डाउट कहीं पे कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, सोलह क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। संकेत भी बोल रखा है आपको, x की पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए, ये हमें संकेत दे रखा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, और कभी भी बोर्ड एग्जाम में कोई भी हिंट विंट नहीं आता है,
ये हिंट का आइडिया कैसे लगा? क्योंकि अगर x की पावर n को तुम कुछ मानोगे तो उसका फ्लस क्या होता है, nx n माइनस वन। वेरिएबल से मतलब है x की पावर n माइनस वन चाहिए, जो कि ऊपर नहीं था, तो हमें क्या करना है, x की पावर n माइनस वन से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ा। ये हिंट वहाँ से आया है, ठीक है। जब आपने चीज़ों को पढ़ा होगा ना तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो x की पावर n माइनस वन से गुणा करो, ऊपर भी और नीचे भी। ऑलरेडी x की पावर 1 है और यहाँ है x, ये चीज़ गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं। यहाँ से देखिए x की पावर n माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, कट के माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, सिर्फ x की पावर n बचेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार बन गया है, ठीक है। ये dx लिख दो, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब आप खुद देखो, इसका अवकलज ऊपर मौजूद है, माना t मान लेते हैं x की पावर n को, तो dt x के अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, nx n माइनस वन, तो ये n गुणे में त्रिभुज में आ जाएगा x, ये dx गुणे में आ जाएगा, यानी कि nx n माइनस dx की जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt बट्टे n। तो ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ये dt आ जाएगा इधर, ठीक है, और इंटीग्रेशन में ये बट्टे में यहाँ n आ जाएगा, और इसको आपने t माना है, और इस ये आपका t प्लस वन हो गया। तो इसको आपको सॉल्व करना है, पहले t के पदों में सॉल्व करोगे और समाकलन करने के बाद t के जगह पर फिर मान रख देना x की पावर n, ठीक है। चूंकि गुणज कुछ नहीं तो वन लिख सकता हूँ, एक के बट्टे में t प्लस वन गुणा t, तो आंशिक भिन्न करेंगे, ए बट्टा टी प्लस बी बट्टा टी प्लस वन, ठीक है। इसको समीकरण नंबर एक मानो और इसको समीकरण नंबर दो, पहले ये हल होगा फिर एक बट्टे एन से गुणा करेंगे, पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लॉ शब्द क्या आ जाएगा, टी टी प्लस वन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में जो है इसके बट्टे में वही है, ठीक है। तो वन ए टी प्लस वन बी टी, एक बार इसको जीरो मानना, एक बार इसको जीरो, क्योंकि रैखिक है। यदि टी बराबर जीरो तो जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां क्या रखो, जीरो। जीरो प्लस वन तो वन आ जाएगा, और टी गुणा बी गुणा जीरो जीरो, तो ए का मान आ गया वन। चूंकि यदि अब के बाद टी प्लस वन को जीरो मानोगे तो प्लस का वन इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वन। तो जहाँ जहाँ आपका टी है वहाँ माइनस वन रखो, ये जीरो हो जाएगा। माइनस बी तो ये बी बराबर हो जाएगा माइनस के वन, ए का मान वन बी का मान माइनस के वन आ गया, ठीक है, वो हम यहाँ रख देंगे। बाहर से एक बट्टे है ना टोटल, अतः डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः इंटीग्रेशन जो होगा ना, एक बट्टे एन इसके साथ भी आएगा, एक बट्टे एन इसके साथ भी आ जाएगा। एक बट्टे एन ए का मान वन है, तो ये आ जाएगा डी टी बट्टे टी, एक बट्टे एन क्योंकि माइनस का है ना भी, तो इसे माइनस कर लो, डी टी बट्टे टी प्लस वन, एक बट्टे एन log t, एक बट्टे एन log t प्लस वन, ठीक है। इंटीग्रेशन का तुम c जोड़ लो, t का मान रख दो, अब t का मान क्या माना है, x की पावर n, मैं यही छोड़ देता हूँ, और भी हल कर सकते हैं, एक बट्टे एन उभनिश लेने के बाद log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा के और हल कर सकते हो, बट यहाँ पे छोड़ोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, और बाकी आ गए आपकी चॉइस है, और हल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन अभी किया उसी लॉजिक से देखो, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स ऊपर मिल रहा है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, देखते ही पता लग गया, ठीक है। माना देखो टी मान लेते हैं साइन एक्स को, डी एक्स साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स, तो dt बराबर हो जाएगा cos x dx,
यहाँ पर भी बेसिकली वही तो है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos x dx की जगह पे ऊपर आ जाएगा dt, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ठीक है। तो गुणे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 1 के बट्टे में 1 माइनस टी 2 माइनस टी, आंशिक भिन्न करेंगे, 1 के बट्टे में 1 माइनस टी प्लस बी के बट्टे में 2 माइनस टी, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से बट्टे में क्या जाएगा, 1 माइनस टी और यहाँ है 2 माइनस टी, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, घटा बट्टे में बट्टे में, ये घटा यहाँ से बचाओ 1, दोनों के दोनों रैखिक समीकरण है, काम हमारे लिए आसान हो गया। यदि 1 माइनस टी बराबर 0 तो माइनस का टी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टी, ठीक है। तो रखो एक बार, इधर तो 1 ही है, टी की जगह पे क्या रखना है 1, और 1 माइनस टी की जगह पे क्या है 0, तो 1 आएगा, तो a का मान आ गया 1, ठीक है। अब 2 माइनस टी की जगह पे 0 रखो तो माइनस का टी इधर आके क्या हो गया, प्लस का टी, रखो 2 माइनस टी की जगह पे जब 0 रखोगे टी की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो b का मान क्या आ जाएगा माइनस के 1, ए और बी का मान यहाँ रख दो, ए व बी का मान रखने पर, रखेंगे ई का मान क्या है 1, तो 1 डी टी बट्टे में क्या है 1 माइनस टी, बी का मान है माइनस बट्टे में 2 माइनस टी, ठीक। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस टी, टी का गुणज माइनस 1 है तो बट्टे में माइनस लग गया 1, ये भी आ जाएगा लॉग 2 माइनस टी, टी का गुणज माइनस है नीचे लग गया, इंटीग्रेशन का तुम सी जोड़ देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लॉग 2 माइनस टी और नेगेटिव लॉग 1 माइनस टी, ठीक है। लॉग एम माइनस एन, लॉग एम बट्टे एन होता है, टी का मान रख दो लास्ट में, टी हमने किसको माना था, साइन एक्स को, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, ठीक है। टी का मान आखिर पे रख दिया, इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। 18वें प्रश्न पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब इस प्रश्न के लिए क्या करें, देखो नीचे जितनी घात है ऊपर भी उतनी ही घात है, और जब अंश और हर में घात समान होता है तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अंश की घात किसके बराबर है, हर की घात है, तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें देना होगा भाग, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर सेम टू सेम चीज़ दिख रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर, एक नया नाम देते हैं उसको वाई, और ये हमारे पास क्या है वाई प्लस 1, वाई प्लस 2, वाई प्लस 3, वाई प्लस 4, ऊपर गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर 2 और 1 3 वाई, 2 1 कम 2, नीचे वाई स्क्वायर 4 और 3 7 वाई, और 4 3 12, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, वाई स्क्वायर वाई एक ही बार जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा
तो ये तो कटा, 3y से 7y कटाएंगे माइनस का 4y, 12 में से 2 कटाएंगे माइनस के 10। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो माइनस ओपनिश ले लो, इसको प्लस लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाग देने के बाद क्या होता है, जो भागफल होता है वो यहाँ आ जाते हैं, प्लस जो शेषफल होता है, शेषफल हमारा कितना माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये माइनस है, ब्रैकेट में लिखेंगे 4y प्लस 10 बट्टे में जिससे भाग दिए हैं, इससे भाग दिए हैं, इसका मतलब क्या है ये चीज़, तो y प्लस 3 बट्टे में y प्लस 4। अब हमें क्या करना होगा, इसका क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न करना होगा, क्योंकि समाकलन करोगे इसका तो आराम से हो जाएगा, इस वाले के लिए दिक्कत है। चूँकि आपने y लिखा है तो यहाँ आप क्या लिखोगे, dy लिखोगे, ठीक है, ये क्या है, dy है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब देखो, जब आप y की जगह पर x रख दोगे तो फिर x में लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, 4y प्लस 10 बट्टे में y प्लस 3 y प्लस 4, तो यह आ जाएगा a के बट्टे में y प्लस 3 और b के बट्टे में y प्लस 4। ठीक है, समीकरण नंबर एक और ये दो, बाकी जैसे आप हल करते हो, ठीक है ना, अभी मैंने आपको हल, इसको ज़ीरो मानोगे, इसको ज़ीरो मानोगे और हल करोगे, तो a का मान आपको मिलेगा माइनस के 1 और b का जो मान मिलेगा आपको मिलेगा 3। हल करना आता है, अभी आपको मैंने सिखा रखा है। अब इस a के मान को और b के मान को यहाँ रख दोगे, माइनस 1, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, y का मान रख दूँ, ठीक है। देखो गाइस, एक चीज़ है ना, यहाँ से 2 ओपनिस्ट आ जाएगा उस हिसाब से था ना, तो a का मान आपका आएगा माइनस के 2, b का मान आ जाएगा 2 से गुणा कर दो, b का मान आएगा 6, ठीक है, ये मान आएंगे, तो माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, और x का जब मान रख दोगे तो dx में ही रख दो, y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, 3। और क्योंकि इंटीग्रेशन करने से पहले ये चीज़ ज़रूर कर लेना, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये 6 होगा, ठीक है, प्लस का 6, और यहाँ पर है dx बट्टे में एक्स स्क्वायर, 4 4 को मैं ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक ही सूत्र लगेगा दोनों में, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 का वर्ग, तो दोनों में एक ही सूत्र बनाना, कौन सा सूत्र बना, चूँकि डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला सूत्र बना, जो था 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये माइनस का 2 बाहर, 1/a एक ही जगह पर अंडर रूट 3, टेन इनवर्स एक्स एक्स के अपॉन ए, ठीक, यहाँ प्लस सी, फिर से वही 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो तीनों। अब इन मान को उठा कर, और यहाँ वाई नहीं लिखना है, यहाँ एक्स लिखना है, अतः समीकरण एक से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा, और ये देखो माइनस लगा पड़ा है, तो माइनस में पूरे में इसमें गुणा होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 2/√3 टेन इनवर्स एक्स बट्टे रूट 3, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन ख़त्म, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वाई मानना है, वाई मानने के बाद अंश और हद की हद बराबर होगी, भाग देना है, भाग देने के बाद स्प्लिट कर लोगे, ठीक है, फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, आंशिक भिन्न करना है, इंटीग्रेशन करने से पहले वाई का मान ज़रूर रख लेना, कई बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, ये गलती करते हैं, वाई का मान रख के फिर इंटीग्रेशन करना है, ये ध्यान रखना है, और इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष ही होगा,
वाई के सापेक्ष नहीं। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, 19वां, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इसको मानने से इसका प्लस ऊपर बैठा है, दिख रहा है आपको, और सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये आपका इंटीग्रेशन है कि नहीं? तो माना टी, मान लिया एक्स स्क्वायर को, एक्स के शापे जब क्लच करोगे 2x, ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, 2x dx की जगह क्या रख सकता हूँ, dt। तो ये हो गया dt और ये हो गया t प्लस वन टी प्लस थ्री। अब एकदम सरल हो गया, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, अतः आंशिक भिन्न कर सकता हूँ, एक के बट्टे में t प्लस वन और t प्लस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक a बट्टे t प्लस वन, b बट्टे t प्लस थ्री। अब लास्ट में ना इसको t के सापेक्ष ही करना है, क्योंकि इसको मानने से पूरा पूरा ऊपर मिला है आपका क्लच। ठीक है, इसमें ये मत करना कि फिर से एक्स स्क्वायर रख दो, ये सब मत करना, क्योंकि पूरा पूरा आपका क्लच मिल चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखो, कन्फ्यूज मत रखो अपने मन में। तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, टी प्लस वन टी प्लस थ्री, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में कटम, यहाँ एक है, यदि टी प्लस थ्री बराबर जीरो तो प्लस का थ्री इधर के माइनस का हो गया, इधर वन है, इसको अपने ज़ीरो माना है, टी की जगह पे माइनस थ्री प्लस वन, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का टू, तो ये आ जाएगा बी का मान आ जाएगा माइनस के एक बट्टे दो। यदि टी प्लस वन बराबर ज़ीरो तो प्लस का वन इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के वन, फिर से यहाँ रखोगे ऊपर, यहाँ वन है और टी की जगह रखना है माइनस के वन, और इसको आपने ज़ीरो माना है, तो तीन में से एक कटाएंगे दो, दो गुणे में जाके बट्टे में आ जाए, एक का माना जाएगा एक बट्टे दो। ठीक है, ए व बी का मान रखने पर, ठीक है जी, यहाँ पर रख दोगे, ए का मान कितना है, एक बट्टे दो, ठीक है, और ये डी टी बट्टे में है टी प्लस वन, बी का मान कितना है, माइनस के एक बट्टे दो, एक बट्टे दो लॉग टी प्लस वन, और ये हो जाएगा लॉग टी प्लस थ्री। रैखिक समीकरण है ना, एक्स की तरह व्यवहार करेगा, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे। अब आखिर में आपको टी के जगह पे मान रखना है, ठीक है, टी का मान आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर, वो लॉग आखिर में रख देना, वन बाई टू, अगर आप ध्यान से देखो तो वन बाई टू ओबाइनस्ट है, लॉग एम माइनस एन क्या सूत्र होता है, लॉग एम बट्टे में एन। ठीक है, ये आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बट्टे एन, टी का मान रख दो, टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस तीन, आंसर। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया, कोई डाउट, कहीं पे कोई दिक्कत, अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाऊँ, तो देखो अगर x की पावर 4 को मैं मानता हूँ तो मुझे x की पावर 3 ऊपर में चाहिए, 4x क्यूब होता है, तो 4x क्यूब को बोल जाऊँ, मैं क्या करता हूँ, x की घात 3 से ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी भाग किया, और बाकी जो है उसको वैसे का वैसे रख दिया, इस चीज़ से गुणा और भाग की, सेम चीज़ से गुणा भाग की कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आइडिया कहाँ से लगा, आइडिया यहाँ से लगा कि इसको मानने से एक्स क्यूब मुझे चाहिए, ठीक है, इसलिए अब देखो इसको ढंग से लिख सकता हूँ मैं, ऊपर है एक्स की घात 3 डी एक्स, नीचे है एक्स की पावर 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और यह एक्स 4 माइनस 1, अभी ऐसा किया था, माना टी, मान लो एक्स की पावर 4 को,
ये क्या हो जाएगा 4x³ dx, 4 × 4 = 8 में आ जाएगा x³ dx। तो x³ dx की जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt/4। ये dt हो गया, बट्टे का 4 बाहर आ गया, और इसकी जगह पे अपने t माना है t-1, इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो अब 1/t t-1, ये क्या हो जाएगा, a/t + b/t-1। ये तो बहुत आसान है, लॉस पर आ जाएगा t t-1, इसके गुणा इसके साथ a t-1, और ये आ जाएगा bt, बट्टे में था सेम टू सेम कटा। ठीक, अब आपको एक बार इसको जीरो माना, एक बार इसको जीरो माना है। यदि t = 0, तो जहाँ जहाँ t वहाँ 0 रखो, तो 0 - 1, तो a का मान आ गया -k1, ये तो 0 हो जाएगा। अब की बार t - 1 को 0 रखो, यदि t - 1 = 0, तो -k1 रखे क्या हो जाएगा, +k1। यहाँ रखोगे, यहाँ पर इसको 0 माना है और t की जगह पे क्या रखना है, 1, तो b का मान क्या आ गया, 1। a और b का मान उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पर, और देखो यहाँ 1/4 भी है, तो टोटल 7 में ले लो, तो यहाँ लिखेंगे a व b का मान रखने पर ठीक है। सो 1/4 से भी गुणा कर दे रहे हैं, साथ ही साथ a का मान है माइनस के और बट्टे में क्या है t, b का मान है प्लस बट्टे में t-1। ये आ जाएगा log t, ये आ जाएगा log t-1। इंटीग्रेशन खत्म, सी 1/4 देखो वो माइनस्ट है, ये प्लस का है, ये माइनस का, log m माइनस एन, देखो यहाँ से ओबन, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम बट एन। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, टी का मान रख देते हैं, टी का हमने क्या माना था, x⁴, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, आराम से हो गया सॉल्व। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, बिल्कुल वैसा प्रश्न जैसा अभी हमने किया था। सो देखिए, 1 / x और कुछ नहीं है, 1 / x को कुछ मानेंगे तो 1 / x का अवकलज भी 1 / x होता है, तो मैं क्या करूँगा, 1 / x से ऊपर गुणा किया, नीचे भी गुणा किया, गुणा भाग कर दिया ऊपर नीचे। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि 1 / x को मानने से उसका अवकलज ऊपर मौजूद है, माना t मान लिया मैं 1 / x, तो अवकलज करूँगा x के सापेक्ष, 1 / x का अवकलज 1 / x ही होते हैं, बट्टे का इधर गुणे में dx की जगह पर मैं dt रख सकता हूँ, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे t - 1, गुणे में कुछ नहीं तो 1। तो अतः इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो, अब आंशिक भिन्न 1/t t-1, जस्ट अभी आपने किया था, ये अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/t b/t-1, अभी किया था थोड़ी देर पहले, a का मान कितना आ जाएगा, -k1, और b का मान आ जाएगा 1, अभी किया था हमने, ये मान वहाँ रख दो यहाँ पर, तो -1 dt/t, b का मान 1, dt/t-1, -k log t, मॉडुलस में रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, log t-1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, log m माइनस एन क्या होता है शुद्र, log m/n, तो log m की जगह क्या है,
टी माइनस वन बट्टे में टी, टी का मान रख दूँ, टी का मान क्या है, इक्की पावर एक्स, जहाँ सी हमारा समाकलन निर्धांक है। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाइए, 22वां और 23वां जो प्रश्न है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में दे रखा है, बट बिना सॉल्व करे तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास क्या है, एक्स के बट्टे में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, दो रैखिक समीकरण है, ए के बट्टे में एक्स माइनस वन प्लस बी के बट्टे में एक्स माइनस टू ले लेंगे, ए और बी के मान निकाल के यहाँ हमारे समाकलन करना है, ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा, दोनों के गुणा कर दोगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ, इससे ये कटा इससे ये कटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, एक बार इसको ज़ीरो मानना है, एक बार इसको ज़ीरो मानना है, यदि x माइनस टू बाई ज़ीरो तो माइनस का टू इधर के प्लस का टू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखो टू, इसको अपने ज़ीरो मानना है तो ये तो ज़ीरो हो गया, और x के जगह पर टू माइनस वन, तो यहाँ से आ गया b का मान दो, फिर से x प्लस वन को x माइनस वन को ज़ीरो मानेंगे तो माइनस का वन इधर के प्लस का वन, x के जगह पे क्या रखना है वन, तो वन माइनस टू माइनस वन आ जाएगा, और इसको तो हमने ज़ीरो माना है, तो a का मान क्या आ जाएगा माइनस के वन, e और b के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बट्टे एक्स माइनस वन, बी टू है और डी एक्स बट्टे में है एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन और टू लॉग एक्स माइनस टू, इंटीग्रेशन का तो हम सी जोड़ देंगे। अब इधर देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है एम लॉग एम क्या होता है, ये जो एम होता है वो पावर में आ जाता है, तो लगाते हैं पहले, मॉडुलस में लिखूं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू की पावर में टू, ये क्या है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बट्टे में एन प्लस सी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देखो ये आया ना, ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक, आराम से बन गया। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, हमारे एनसीईआरटी के आखिरी प्रश्न में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो आइडिया लग रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर यहाँ भी हो जाए और यहाँ भी हो जाए, एक्स स्क्वायर का एक्स ऊपर आ जाए तो बात बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक्स से गुणा और एक्स से भाग करूँगा तो इसकी पावर में हो जाएगा टू, और देखो इसको मानने से इसका फल ऊपर बैठा है, माना टी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टू एक्स, तो डी टी बट्टे दो एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा डी टी बट्टे में दो बाहर, इसके जगह पे टी और इसके जगह पे टी, ठीक है, तो इसका गुणज कुछ नहीं तो वन है, अतः इसका आंशिक भिन्न करो क्या हो जाएगा ए बट्टे टी प्लस बी बट्टे टी प्लस वन, ठीक, बाद में हम एक बट्टे दो से यहाँ गुणा कर देंगे इंटीग्रेशन करते समय, ये हो जाएगा टी टी प्लस वन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में सेम, इसके बट्टे में सेम कटा, ये वन आ गया, यदि टी बराबर ज़ीरो, इसको ज़ीरो मानेंगे, रैखिक समीकरण है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ ज़ीरो रखो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस वन वन और ये ज़ीरो, तो ए का मान आ जाएगा वन,
दूसरी बार टी प्लस वन को ज़ीरो मानेंगे तो प्लस वन इधर आके माइनस के वन हो जाएगा। रखो यहाँ पर, जहाँ जहाँ टी प्लस वन को ज़ीरो माना है और टी की जगह पे क्या रखना है, माइनस के वन, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के वन। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और साथ ही साथ वन बाई टू से डिवाइड भी कर देंगे, है ना। वन बाई टू, ए की वैल्यू वन थी, वन बाई टू डी टी अपॉन टी, फिर बी की वैल्यू माइनस और ये वन बाई टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डी टी बट्टे में टी प्लस वन। ठीक, रख दिया मान, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस वन, इंटीग्रेशन का तो हम सी जोड़ देंगे। वन बाई टू देखो क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन में वन बाई, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन को देखना भी बहुत ज़रूरी है। वन बाई टू कॉमन निकाल के सॉल्व नहीं किया इन्होंने, ठीक है, तो टी का मान रख देते हैं। टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, ये रख देंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर एक्स स्क्वायर। सो देखो आप जानते हैं लॉग एम की पावर क्या होता है, एन लॉग एम, तो ये पावर का टू सामने आ जाएगा तो ये लॉग एक्स हो जाएगा और ये जो है वैसे के वैसे रखते हैं, टू से टू कटा तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, लॉग एक्स, और इधर वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये आंसर आ गया। ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, लॉग एक्स माइनस के वन बाई, माइनस या प्लस, माइनस है तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है पहले वाले में, ठीक है, ये जो ऑप्शन है हमें कहाँ दिख रहा है, पहले वाले में, तो ऑप्शन नंबर वन ए सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोकेशन आज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।